पाकिस्तानी एमएमए फाइटर अहमद मुश्तबा ने मुल्क का नाम रोशन करने के बावजूद हुकूमत की जानिब से दाद ना मिलने का शिकवा किया है। कराची प्रेस क्लब में अहमद मुश्तबा ने यौम कश्मीर पर भारतीय फाइटर को शिकस्त देने को बायस से फख्र करार दिया और कहा कि इनको उम्मीद थी कि मुल्क का नाम रोशन करने पर हौसला अफजाई होगी, लेकिन ना वजीर आजम ने मुबारकबाद दी और ना ही हुकूमती सतह पर पजीराई हुई। फाइट के बाद मैं वापस आया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी जो एक अप्रिसिएशन होगी वो एक बहुत डिफरेंट लेवल पे होगी, क्योंकि एक तो इंडियन हरीफ के साथ फ़ाइट थी और 56 सेकंड्स में नॉकआउट करना, इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। और लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो सपोर्ट नहीं मिली अभी तक जो कि मैंने सोची थी। आर्मी चीफ से भी मिलने की ख्वाहिश थी लेकिन वो भी पूरी ना हुई। DGI SPR का मुलाकात करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने तआवुन की यकीन दहानी करवाई है। अहमद मुश्तबा का कहना था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बासलाहियत नौजवान हैं इन्हें ट्रेनिंग दें। अहमद मुश्तबा ने इन्हें सपोर्ट करने पर शुएब अख्तर और वसीम अक्रम का शुक्रिया अदा किया। MBB News कराची।